भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाए जाने वाले अनंत चतुर्दशी को लेकर भागलपुर समेत देश भर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखा गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार अनंत रक्षा सूत्र में लगी 14 गांठ 14 लोक और भगवान विष्णु के 14 रूप का प्रतीक मानी जाती है और इनकी पूजा करने से वैकुंठ निवासी भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसको लेकर भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर और सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम समेत कई जगहों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। वहीं अनंत चतुर्दशी पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाई और पूरे भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की। इस दौरान विभिन्न जगहों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा अजगैबीनाथ की पूजा की और उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया, जहां स्थानीय पंडितों के द्वारा अनंत चतुर्दशी पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनंत रक्षा सूत्र रखकर भगवान नारायण विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा कराई गई, जिसके बाद अनंत चतुर्दशी को लेकर हर आयु वर्ग और लिंग के श्रद्धालुओं ने अनंत भगवान को नमन कर अपने अपने हाथों में अनंत का रक्षा सूत्र बांधा। वहीं इसको लेकर पंडित गुलजारी बाबा ने बताया कि अनंत चतुर्दशी पर्व में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसका एक स्वरूप अनंत भगवान का भी है, जबकि सच्चे मन से अनंत पूजा कर अनंत की डोर बांधने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसकी सभी 14 गांठ का भी धार्मिक रूप से अलग अलग विशेष महत्व है। गुलजारी बाबा ने कहा कि नारायण का ही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए अनंत चतुर्दशी पर इनकी भी पूजा अर्चना और आराधना की जाती है और पूजन के बाद अनंत बांधकर व्रत करने वाले भक्त बिना नमक के सादा भोजन का सेवन करते हैं। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी पर अनंत भगवान की पूजा का खास महत्व है और कुछ जगहों पर अनंत के डोर मिलने पर ही इसे बांधने की परंपरा है, जबकि काफ़ी जगहों पर पूरे परिवार के लोगों के लिए अनंत की 14 गांठ वाली डोर बांधने की धार्मिक परंपरा चली आ रही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की 1452वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। भागलपुर में इस जुलूस की अगुवाई धार्मिक उलेमा और विभिन्न कमेटी से जुड़े लोगों ने की, जबकि शहर के अलग अलग मोहल्ले में भी मिलादुन्नबी पर हर्षोल्लास के साथ जुलूस निकाला गया, जो स्टेशन चौक, तातारपुर, सराय, खलीफाबाग, भीकनपुर, बरापुरा, साजंगी और कोतवाली चौक समेत कई मार्गों से होते हुए मुल्लाचक स्थित खानकाए शाहबाजिया पहुँचा। इस दौरान अलग अलग लिबास में मुस्लिम समाज के युवाओं और लोगों ने हाथों में तिरंगा और इस्लामी झंडा लेकर जश्न मनाया, जबकि युवा नाते पाक की धुन पर झूमते दिखे। वहीं 12वीं शरीफ के मौके पर खानका आलिया शाहबाजिया में कई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम शाहबाजी ने की। इस दौरान सज्जादा नसी ने देश में अमन शांति, खुशहाली और आपसी भाईचारा बनाए रखने की दुआ मांगी, जबकि हजरत मोहम्मद साहब के यौने पैदाइश पर उनके द्वारा कुछ पंथियां भी पढ़ी गई। वहीं इसके अलावा भागलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र में भी मोहम्मदी जुलूस निकाला गया, जिसको लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, जबकि शहर में जगह जगह पर लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कई पदाधिकारी, इंस्पेक्टर, थानेदार, पुलिस के जवान और शांति समिति के सदस्यों के अलावा काफी संख्या में जुलूस में शामिल लोग मौजूद रहे। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में भी मोहम्मद साहब के यौम पैदाइश पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धूमधाम से जुलूस निकालकर जश्न मनाया। इस दौरान कोलगामा, नवादा, अबजुगंज, काशिमपुर, दिलगौरी, इस्लाम नगर, स्टेशन रोड, छोटी मस्जिद और घाट रोड सहित कई इलाकों से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मोहम्मदिया जुलूस निकाला और पैगम्बर साहब की जयंती पर ढोल बाजे के साथ जगह जगह झूमते दिखे। इधर जुलूस के बाद सुल्तानगंज शाही मस्जिद में पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों ने पैगंबर साहब के नाम से फातिया पढ़ा और पूरे देश में सुख शांति, एकता और अमन चैन की दुआ मांगी। पूरी दुनिया इंसानियत के लिए बड़ा ही मुसर्रत और खुशी का दिन है कि आज से तकरीबन 1450 साल पहले रबीउल अव्वल की इसी 12 तारीख में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और वो मोहसिन इंसानियत बनकर, ईश्वर के आखिरी संदेशता बनकर इंसानियत के लिए, मानवता के लिए अल्लाह का पैगाम लेकर आए, जिन्होंने लोगों को समझाया और उनको
इंसानियत क्या होती है इसका सबक दिया और अच्छे अखलाक क्या होते हैं ये रास्ता सिखलाया। उनके मानने वालों की तादाद आज पूरी दुनिया में कोने कोने में मौजूद है जो उनसे मोहब्बत करती है, अकीदत रखती है और उनकी तालीम पर अमल करती है। ये उनके अखलाक का और उनकी दावत का और उनके ईमान का नतीजा है कि आज इतने वर्षों बाद भी लोग जुलूस की शक्ल में और कहीं नात खानी की शक्ल में उन्हें याद कर रहे हैं। भागलपुर के नाथनगर सिटी स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का 10वां स्थापना दिवस बुधवार को मनाया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर रेंज के DIG विवेकानंद, SSP आनंद कुमार, CTS के प्राचार्य मिथिलेश कुमार और क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक चंदन कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए DIG विवेकानंद ने कहा कि किसी भी केस के अनुसंधान में फॉरेंसिक टीम का विशेष महत्व है और ब्लाइंड केसों की जाँच में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के टीम की अहम भूमिका होती है। DIG ने कहा कि फॉरेंसिक टीम केस के अनुसंधान में पुलिस की बहुत बड़ी इकाई है जो किसी भी घटना के बाद तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर अपने कार्य में जुट जाती है, जिससे सही जांच के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषियों को सलाखों तक पहुंचाना संभव हो पाता है। कार्यक्रम के दौरान फॉरेंसिक लैब के फुटप्रिंट का लोकार्पण करने के बाद उनकी उपलब्धियों के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया, जबकि आयोजक की ओर से DIG विवेकानंद, SSP आनंद कुमार, CTS प्राचार्य मिथिलेश कुमार समेत कई अतिथियों को मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक चंदन कुमार ने कहा कि जनवरी 2023 से अब तक लैब में 168 घटनाओं की जांच की गई, जबकि भागलपुर में नारकोटिक्स प्रशाखा के खुलने से अब यहां मादक पदार्थों की जाँच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रयोगशाला का उद्घाटन वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, जबकि यहाँ के अलग अलग प्रशाखा में बिहार के कई जिलों से होने वाली घटनाओं से संबंधित जांच की जा रही है और कई मामले में अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में सफलता भी मिली है। साथ ही कहा कि नारकोटिक्स के बाद अब जल्दी यहां DNA प्रशाखा भी खुलेगा। मंच संचालन और प्रयोगशाला से जुड़ी तमाम जानकारी देते हुए सहायक निर्देशक सर्वेस्तम कुमार ने प्रयोगशाला के महत्व और आगे की संभावनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा SSP आनंद कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा अधिकांश आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान में इस तरह के लैब से काफी मदद मिलती है और हमेशा उन सभी को फॉरेंसिक टीम का काफी सहयोग मिला है। द केयर ऑफ ह्यूमैनिटी की ओर से गुरुवार को मुस्लिम हाई स्कूल परिसर में 12वीं शरीफ को लेकर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में संस्था के अध्यक्ष साहिद हुसैन, सदस्य अफजल आलम, रूज राज हसन समेत संस्था से जुड़े सदस्यों ने रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए आम लोगों से अपील की, जिससे किसी भी व्यक्ति की मौत खून की कमी से ना हो सके। शिविर में काफ़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया, जिसके बाद संस्था की ओर से उन सभी को प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं रक्तदान शिविर में निजी ब्लड बैंक के अध्यक्ष वाजिद अंसारी ने कहा कि रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाना ही उनके जीवन का मकसद है और इस तरह के कार्यक्रम को वह हमेशा अपना सहयोग देते रहेंगे। मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाहुद्दीन हसन, पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव, अरुण कुमार झा, मोहम्मद हसन समेत डॉक्टर और ब्लड बैंक की टीम मौजूद रही। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित मध्य विद्यालय प्रखंड कॉलोनी में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी और पठन पाठन नहीं होने को लेकर छात्र के अभिभावकों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक कल्पना रानी से शिकायत की है। इसको लेकर छात्र अरहान खान के पिता मोहम्मद रहमान ने बताया कि बच्चों को रसोइयों के द्वारा स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाया जा रहा है, जबकि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी इसकी शिकायत लिखित आवेदन देकर की गई है। इसको लेकर प्रधानाध्यापिका कल्पना रानी ने बताया कि भोजन में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, जिसमें सुधार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय में नामांकित 360 बच्चों के अनुपात में भोजन की थाली और शिक्षकों के कमी की सूचना पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अब तक विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज मुरारका महाविद्यालय मैदान में जल जमाव को लेकर मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, समाजसेवी पंकज शर्मा और वार्ड पार्षद
प्रतिनिधि शंकर दास समेत कई लोगों ने संयुक्त बैठक कर महाविद्यालय के मैदान में जल जमाव की समस्या को दूर करने पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में जल जमाव हटाने के साथ लाइट की व्यवस्था और अतिक्रमण हटाने पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कई निर्णय लिया गया। वहीं इसको लेकर मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह ने बताया कि नगर परिषद के द्वारा मुरारका महाविद्यालय के मैदान में 4 लेवर लगाकर जल जमाव की समस्या का निदान नगर सभापति राजकुमार के द्वारा किया जा रहा है, जबकि यहां लाइट की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाकर नाला का निर्माण करने के लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा। वहीं नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने कहा कि मुरारका महाविद्यालय के मैदान में जल जमाव की समस्या जल्द दूर कर लाइट की भी व्यवस्था नगर परिषद द्वारा कराई जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।